सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामला अब कानूनी पचोड़ों में फंसता नजर आ रहा है। अब बम्बई हाईकोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट में भी सीबीआई जांच को लेकर याचिका दर्ज की गई है। इस ताजा याचिका में भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मामले में मुंबई और बिहार पुलिस बिल्कुल भी समर्थन के साथ काम नहीं कर रही है। लिखित पत्र के द्वारा दायर याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। पटना हाईकोर्ट में पवन प्रकाश पाठक और गौरव कुमार की तरफ से याचिका दायर की गई है। हालांकि अभी कोर्ट को ये फैसला लेना है कि वो याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेना होगा कि आखिर इसे किसे सौंपना है और इस मामले की जांच किस प्रकार करवाई जाएगी। अब एक नहीं बल्कि दो हाईकोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। बहुत हद तक मुमकिन है कि ये मामला कुछ समय में सीबीआई को दे दिया जाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन बिहार सरकार ने संकेत दिए है कि वो सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की पक्षधर है। वही इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट और बिहार हाईकोर्ट में भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। कानून की बात करें तो भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार कोर्ट केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। साथ ही कोर्ट एक बेंच का गठन भी कर सकती है जो मामले की जांच की कार्रवाई देख सकती है। दिल्ली के वकील सार्थक नायक ने चीफ जस्टिस को एक लिखित पिटीशन भेजी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि मुंबई पुलिस की जांच में कई कमियां हैं। जांच में टालमटोल का रवैया अपनाया गया है और मौत को आत्महत्या घोषित करने में जल्दबाजी की गई है। पुलिस केवल बड़े बड़े लोगों को बुलाकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मामले में जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने यह अपील की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट मामले का संज्ञान ले और सीबीआई या किसी अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी को मामला दे या फिर कोर्ट अपनी निगरानी में एक STI का गठन करने मामले की जांच करवाए।